वाला से जितने अफसर रह गए मैं तो जानती नहीं ज्यादा, वो अफसरों से कराची जो हैं अफसर रह गए। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दुआ जहरा और जहीर की गिरफ्तारी के बाद जहीर की वालदा के पहले बयान ने हर तरफ तहलका मचा दिया। दुआ जहरा की वालिदा ने हैरान कर देने वाले इंकशाफात कर डाले, जिसके बाद दुआ जहरा केस एक नया मोड़ ले चुका है। दुआ जहरा की वालिदा का कहना था दोनों बच्चे भागे नहीं बल्कि डरे हुए थे कि अब हमें मारेंगे, इसलिए डर के मारे इधर उधर छुप रहे थे। जहीर की वालिदा ने इंकशाफ किया कि मैं बच्चों के साथ ही और आला अफसरान जज साहब और दुआ जहरा की वालिदा से रो रो कर अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को कुछ ना कहा जाए, मैं दिल की मरीजा हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। जहीर की वालिदा का मजीद कहना था मैं इन दोनों बच्चों के साथ ही रहती थी, हमने दुआ जहरा को नहीं भगाया, जिस तरह दुआ जहरा उनकी बेटी है इसी तरह मैं भी दुआ जहरा को अपनी ही बेटी समझती हूँ। दुआ जहरा और जहीर की गिरफ्तारी के बाद इस बयान ने हर तरफ खलबली मचाई हुई है, क्योंकि अभी तक हम समझ रहे थे कि दुआ जहरा को जहीर गैंग ने अगवा किया था। हम जब तक दुआ जहरा का बाजियाबी के बाद पहला ऑफिशियल बयान सामने नहीं आता उस वक्त तक किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता।